सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। सन 1947 देश आजाद हुआ और हम सब ने और हमारे नेताओं ने ये समझ लिया कि अब देश अपने आप को चला लेगा, प्रजातंत्र अब उसे खुद ब खुद आगे ले जाएगा। ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। कोई देश प्रदेश अपने आप नहीं चलता, उसे चलाने के लिए जरूरत होती है कर्मठ ईमानदार और जुझारू नेताओं की। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति को जरूरत है नए खून की। अब गोंडा जनपद के कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र का सौभाग्य है कि उसे ऐसा नेता मिल गया है जो बांट रहा है उनके सुख दुख, उनके सपने, जो विश्वास रखता है साथ बढ़ने में। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर का जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेता नहीं है नायक है, नेता नहीं है नायक है। कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई मसूद आलम खां एक मधुर स्वभाव वाले मिलनसार, हर छोटे बड़े के हमदर्द, दूरदृष्टि रखने वाले इंसान हैं। ये संस्कार इन्होंने पाए हैं अपने दादा स्वर्गीय अब्दुल खालिक खां से, जो कि अपने समय के प्रमुख समाज सेवी थे। भाई मसूद आलम खां ब्लॉक प्रमुख रहते हुए सभी गांवों में नाली, खड़ंजा, आरसीसी रोड का निर्माण कराया। गरीबों, असहाय, कमजोरों को इंदिरा आवास एवं वृद्धों, विधवाओं, विकलांगों के लिए शिविर लगाकर कई हजार लोगों को पेंशन स्वीकृत कराया। मैं इस कटरा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मैं ब्लॉक प्रमुख बना, सारे समाज के, चाहे वो पिछड़े वर्ग हो, चाहे ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, सारे लोगों का सहयोग मिला, आशीर्वाद और दुआओं के बदौलत पूरा किया। अपने कार्यकाल में मैंने सबसे पहले विकास के साथ साथ जितना जोर मैंने वहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए दिया, उतना एक आपसी भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए उतना प्रयास किया, दोनों प्रयास साथ किया। मैंने ये पूरा प्रयास किया कि जो लोग भी हमारे पास गए, मैंने उनका हमेशा सम्मान और उनके कामों पर तुरंत विचार करना और जितना प्रयास हो सकता था उसको गंभीरता पूर्वक लेकर के उस पर कार्य करने का काम किया। मसूद आलम खां की सभी धार्मिक आयोजनों में समान रूप से सक्रिय भागीदारी रहती है। मसूद आलम खां ने अपने क्षेत्र की अमन शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर जाकर दुआ मांगी। आंखों से लगा लो, इसे दिल में बसा लो जी।
है तो हर धर्म को सम्मान देना चाहिए। गरीबों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और किसी जात का हो, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सिर्फ इस क्षेत्र के लिए दो बातें रखी हैं कि मैं आपका सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा, आपका सम्मान घटाने का काम कभी नहीं करूंगा। जो आपकी अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए मसूद खां को अगर आपने अपना जनप्रतिनिधि बनाया तो 24 घंटे में अगर मुझे 20 घंटे भी जा करके आपके लिए संघर्ष करना पड़ेगा तो मैं आपके अपेक्षाओं को आपको निराश नहीं होने दूंगा। मैं 24 घंटे में 20 घंटे जा करके आपको मायूस नहीं होने दूंगा। हमसे अगर लगती हूँ कि हम आपके भावनाओं को आगे बढ़ाएंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपका सत्कार करेंगे, आपका विकास करेंगे, तो एक बार मुझे जरूर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका दूंगा। ये मेरे आप लोगों से ये बहुत ही विनम्र अपील है। हमारे बच्चे हैं, जो हमारे कल के भविष्य हैं, भाई किसने सोचा, जो किसान है उसके खेतों को पानी चाहिए, उसके घरों में बिजली चाहिए, जाने के लिए रास्ता चाहिए, भाई गरीब परिवार है उसको इंदिरा आवास चाहिए, नहीं पहुंचा। ये सारे लोग जो बड़े नेता हैं, ये जब चुनाव आएगा तब बीच में आते हैं और तब आपको अपनी बिरादरी का और कुल का याद दिलाते हैं कि आप भाई तो इस समाज में। और मैं आज इस मंच के माध्यम से और इस स्थान के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मेरा लक्ष्य सिर्फ एक है, मेरा लक्ष्य है कि इस क्षेत्र में एक आपसी सद्भाव, भाईचारा, मेल मिलाप और मोहब्बत को आगे बढ़ाया जाए, नफरत को कम किया जाए और इस क्षेत्र का विकास दूसरी विधानसभाओं और जनपद के सबसे अग्रणी विधानसभाओं में और इसकी गिनती की जाए, सबसे विकासयुक्त माहौल बने और एक अच्छा वातावरण तैयार हो जिसमें हमारे बच्चे, हमारे जो ये हैं, ये आगे चल करके इस क्षेत्र का नाम और आगे ले जाएं। ने कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र की तरक्की, खुशहाली और आपसी भाईचारा मजबूत करने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में अपने लोकप्रिय प्रत्याशी भाई मसूद आलम खां को हाथी वाले खाने पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।